झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे सभी विधानसभा सीटों पर राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। गुड्डा की तीनों विधानसभा सीट पुड़ैया, मैगामा और गुड्डा पर तापमान पूरा हाई है। पुड़ैया हाट इन दिनों बेहद ही ज्यादा सक्रिय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इस सीट की चाहत में भाजपा उस समय से अपनी नींद खोई हुई है जब से यहां से वर्तमान विधायक प्रदीप यादव ने भाजपा को लात मारकर बाबूलाल मरांडी के साथ मिलकर अपनी राजनीति को धार देने का निर्णय लिया। बहरहाल ये अलग कहानी है। इस समय प्रदीप यादव कांग्रेस में है और 2019 में प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा यानी कि JVM के टिकट पर चुनाव जीते थे, मगर प्रदीप यादव ने लेफ्ट राजनीति को चुनते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। लिहाजा ये सीट कांग्रेस की है और उम्मीदों गुजर ये सीट कांग्रेस को मिले इसका अनुमान लगाया जा रहा था, मगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के शक्ति प्रदर्शन से माहौल का इशारा कहीं और ही है। दरअसल आज झामुमो ने पुड़ैया हाट में शक्ति प्रदर्शन किया। झामुमो जिलाध्यक्ष वासुदेव सोरेन की अगुवाई में एक सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें झामुमो ने इस सीट पर लड़ने की चाहत आलाकमान के आगे पेश कर दी। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि इस सीट से झामुमो की परंपरागत सीट रही है, जिसको लेकर झामुमो अगर कांग्रेस से समझौता करती है तो ये झामुमो के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। ऐसे में पुड़ैया हाट में झामुमो ने ताल ठोक कर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है। इस सम्मेलन में लगभग 65 बूथ से झामुमो के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में हिस्सा लिया। विधायक प्रदीप यादव ने अभी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और उनके किस्मत का फैसला आलाकमान के हाथ में छोड़ दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पुड़ैया हाट सीट पर बुरी तरीके से उलझ चुका है। हालांकि इस समय झारखंड 81 की 81 सीटों पर झामुमो का हौसला बुलंद है और इसका जीता जागता नमूना पुड़ैया हाट सीट भी है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ झामुमो नेता और इस सीट पर टिकट के प्रबल दावेदार प्रेम नंदन मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने इस सीट पर हलचल बढ़ा दी है। बहरहाल इस सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें समाचार आज तक। शक्ति प्रदर्शन की बारी तो अभी नहीं आई। कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 24 में झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे पुड़ैया हाट से जीते उसके लिए एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और उसी क्रम में आज कार्यकर्ताओं की और खास करके क्षत्रिय आज बैठक थी और बैठक में आप लोगों ने भी सुना होगा एक ही कार्यकर्ता का आवाज है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी यहाँ आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी को भारी मतों से जिता कर दिया। सिटिंग सीट है, गठबंधन है, आप लोग उस तरफ इशारा करना चाहते हैं, लेकिन पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय आपने उस समय के प्रत्याशी और अभी के माननीय विधायक उनको आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि इसके बाद मैं यदि हारता हूँ नहीं जीतता हूँ तो चुनाव नहीं लड़ूंगा और यहाँ हम बेटा बन करके समाज की सेवा करने का काम करूँगा और यहाँ की जनता जब मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा। और उसी दिन से झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता दोनों तरह से यदि जीतते तो जो शंका आपको है वो शंका नहीं रहती, ये सीट खाली होता और झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ता और उन्होंने पहले ही वादा किया है कि मैं संन्यास ले लूँगा। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता उसी समय से तैयारी कर रहा है और आज आपने देखा होगा हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के उत्साह को, उनके जोश को। बिल्कुल मैं उसी समय की चर्चा कर रहा हूँ, कार्यकर्ता तैयार है, कार्यकर्ता में जोश और खरोश आप देख सकते हैं, ये जोश और खरोश विधानसभा के रिजल्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीत में बदलेगा, ये हम लोग आश्वस्त हैं और दावे के लिए।